माने अध्यक्ष जी, जब आपने हर चीज में कल तो बड़े नारे बुलवा लिए, किसने किया किसने किया किसने किया। आज 25 जून है साहब, बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं कि 25 जून क्या है, अगल बगल में पूछना पड़ता है। पच्चीस जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है, भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था, देश के मीडिया को दबोच दिया गया था, देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था, पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए, न्यायपालिका का जजमेंट था। न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है उसका वो जीता जाता उदाहरण है। आज 25 जून को हम लोकतंत्र के प्रति फिर से एक बार अपना समर्पण, अपना संकल्प, उसको और ताकत के साथ हमने समर्पित करना होगा। संविधान की बातें बताना और संविधान को कुचलने के पाप करना, इन चीजों को कोई भूल नहीं सकता है। और उस समय जो जो भी इस पाप के भागीदार थे, ये दाग कभी मिटने वाला नहीं है। और इस दाग को बार बार स्मरण करने का भी जरूरत है, ताकि देश में फिर कैसे किसी कोई ऐसा पैदा न हो जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो जाए। इसलिए याद करना जरूरी है, किसी को भला बुरा कहने के लिए नहीं। लोकतंत्र के प्रति आस्था का महत्व क्या है ये समझाने के लिए भी लोकतंत्र पर किस प्रकार से प्रहार हुआ था ये स्मरण कराना जरूरी होता है। किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं होता है। और इसलिए उन संपर्कों की पूरी के लिए उस समय जबकि मीडिया पर ताले लग चुके थे, हर कोई लगता था कि आज शाम को पुलिस आएगी पकड़ लेगी, ऐसे वातावरण में मेरे देश के नागरिकों की सामर्थ्य देखिए, इनका ताकत देखिए, जाति पंथ संप्रदाय सबसे ऊपर उठ करके देश ने उस समय चुनाव में नतीजा दिया था और लोकतंत्र के लिए वोट किया था और लोकतंत्र को पुनः प्रस्थापित किया था। ये मेरे देश के मतदाताओं की ताकत है। इस बार फिर एक बार जाति पंथ संप्रदाय भाषा सबसे परे उठा करके सिर्फ और सिर्फ देश के उज्जवल भविष्य के लिए इस बार फिर से एक बार देश से मतदान किया।